क्या सचमुच भूत प्रेत होते हैं? यह कुछ लोगों के लिए सच है और कुछ लोगों के लिए अंधविश्वास। आप शायद यकीन ना करें, लेकिन कुछ स्थानों पर इंसान की मृत्यु के बाद उनकी आत्माएं भटकने लगती हैं और वहां जाने वाले लोगों को परेशान करती हैं। यह सच है और इतिहास में ऐसे बहुत से किस्से भी सुनने को मिलते हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे भूतिया आइलैंड के बारे में बताएंगे जहां 100 या फिर 1000 नहीं बल्कि लाखों आत्माएं भटकती हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सूरज और आप सभी का स्वागत करता हूं मिस्टीरियस हिंदी में। उत्तरी इटली के वेनेटियन लगून में एक आइलैंड स्थित है जो पूरा ही भूतिया और डरावना है। इस आइलैंड पर जाना प्रतिबंधित है। सरकार ने लोगों के यहाँ जाने पर बैन लगा रखा है। यहाँ पर शराब बनाने में प्रयोग होने वाली फसल होती है। सिर्फ इसी फसल के समय पर ही लोग यहाँ जाते हैं। मछुआरे भी डर के मारे यहाँ पर मछली पकड़ने नहीं जाते। मछुआरों का कहना है कि उनके जाल में कई बार मरे हुए इंसानों की हड्डियां फंस जाती हैं। इस जगह को आइलैंड ऑफ डेड के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जाने वाले लोगों का जिंदा बचकर लौट पाना मुश्किल है। दरअसल इस आइलैंड से जुड़ी हुई एक खौफनाक कहानी है जिसकी वजह से लोग यहाँ बिल्कुल जाना नहीं चाहते। आइए बताते हैं कि वो कहानी है क्या। कहा जाता है कि सैकड़ों साल पहले इस आइलैंड पर प्लेग के मरीजों को मरने के लिए लाकर छोड़ दिया जाता था। बाद में ब्लैक डेथ यानी काला बुखार के समय में भी इस आइलैंड का ऐसा ही इस्तेमाल जारी रहा। उस बीमारी के चलते जो लोग मर जाते थे उन्हें यहीं पर दफना दिया जाता था। बाद में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लगभग 1,60,000 बीमार लोगों को जिंदा जला दिया गया था। इसके बाद से लोग इस आइलैंड को भूतिया मानने लगे और ये आइलैंड पूरी तरह से वीरान हो गया और कहते हैं कि उनकी आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं। हालांकि सन 1922 में इस आइलैंड पर मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया, लेकिन कुछ सालों बाद ही इसे बंद कर दिया गया। बताया जाता है कि यहां पर डॉक्टर्स और नर्सों को कई असामान्य चीजें नजर आने लगी थीं। वहीं पागलखाने में भर्ती मरीजों को भी प्लेग के मरीजों के भूत दिखाई देते थे। मेंटल हॉस्पिटल के बंद होने के कई साल बाद तक ये आइलैंड दोबारा वीरान पड़ा रहा। इसके बाद इटली की सरकार ने सन 1960 में इसे प्राइवेट मालिक को बेच दिया। वह शख्स अपनी फैमिली के साथ कुछ ही दिन यहाँ पर रहा और उस दौरान उसके साथ कई डरावनी घटनाएं हुई और फिर वो इस जगह को छोड़कर चला गया। इसके बाद एक दूसरे परिवार ने इसे हॉलीडे होम बनाने के लिए खरीदा, लेकिन वह भी यहाँ सिर्फ एक दिन ही टिक सका। इन तमाम घटनाओं के बाद भी कई लोगों ने इसकी पड़ताल करने की कोशिश की, लेकिन इस आइलैंड पर सच की तलाश में गए ज्यादातर लोग यहाँ से जिंदा लौटकर नहीं आ सके और ये आइलैंड हमेशा के लिए वीरान हो गया। हालांकि जो लोग बचकर वापस लौट आए उनका कहना था कि यहाँ पर बीमारी से मरे हुए लोगों की आत्माएं भटकती हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।